बीती देर रात 35 तो 40 के करीब हथियारबंद लुटेरिया ने थाना गोविंदवाल अधीन आउंदे एक पेट्रोल पंप ते खड़ियां बसां दी भन तोड़ करदे होए अन्नेवाह गोलियां चलाईयां। पंप अंदर सुते गार्ड ने जदों देखिया कि लुटेरे गुंडागर्दी कर रहे हैं तो वह दफ्तर का पिछला दरवाजा खोल के खेतों वल नूं भज गया अते उसने अपनी जान बचाई। तो इस बारे पेट्रोल पंप के मालिक जो कि पेट्रोल पंप के नेड़े रहिंदा है नूं फोन करके दसिया। पेट्रोल पंप का मालिक घरों निहत्था ही पेट्रोल पंप से आने लगा तो लुटेरिया ने उस उपर भी गोलियां की बौछार कर दी, जिस तों बाद पंप के मालिक ने जमीन उपर लम्मा पै के अपनी जान बचाई। लुटेरिया ने पेट्रोल पंप की भन तोड़ करन तो बाद अंदर पई 1,42,000 रुपए की नकदी भी चोरी कर ली। इन्ना ही नहीं लुटेरिया ने पेट्रोल पंप के सामने बनिया दुकाना ट्राले ना ढह ढेरी कर दित्तियां, जिन्ह ने जाते हुए जमीन अंदर पेट्रोल ते डीजलां दे टैंकरां नूं भी अग लगाउण दी कोशिश कीती। पेट्रोल पंप दे मालक ने इस वारदात बारे थाना गोइंदवाल साहिब दी पुलिस नूं सूचित कर दित्ता है। मैं पंप ते मौजूद सी, मैं दफ्तर दे विच इत्थे पिया सी। एक बंदा साडा बाहर पिया सी, एक चौकीदार बाहर ओह उत्थे बैठा सी। इहदे विच साडे पिंडों मतलब बंदे आए, 30-35 बंदे आए आ, 15-16 हथियार आ, कुछ दातर आ, कृपान आ। उन्होंने आ के साडे पंप दी मतलब भन तोड़ कीती आ। दुकानां दो अपणियां 4 साल हो गए दुकानां पईआं नूं, वह भी ढाहतियाँ। बाकी आप 3 पाते हैं वह भी ढाहतियाँ। 4-5 मिनियां बसा वा उन्होंने शीशे भन्ने। एक साड़ी पंजाब रोडवे तरन तारण डिपू की गड्डी आ, वह भी सवेर की इतने खलोती है, वह भी फ्रंट शीशा गला शीशा भन दिता वा। 12:40 के जदों ये बंदे आए आ, एक इन्हों को है ट्रैक्टर फार्म टैक आ, एक ट्राली मगर पाई जी ट्रैक्टर, इन्होंने एक जीप जी, एक बलैरो गड्डी जी। तो 30-35 बंदे आए जो इन्हें जदों आ गए ढौन डे पे इतने फायर फूर कर डे पिया। जिहड़ा मेरा बंदा सुता इतने रात वो जो फायर वजा वह पिछे की बूह खोल के बाथरूम का बैक सैड से भज गया। भज के जा के मैनू उठाया, उन्होंने फोन लाया, उन्हें भी ठा उठो। मैं उठ के आ गए आया, मैं अपने चाचे के मुंडिया तिना दोवें तिना फोन किया, मेरे नाल आए आ। मैं पैदल आया, पैदल आ गया, मैं वेख्या भी ये बंदे ट्रैक्टर ट्राली लै गए, तो दुकाना भी जी वो भी ढोन दे, अन्नेवाह फायर कर दे जी, कभी बस दे मार दे जी, कभी इधर मार दे जी। मैं अपनी समझदारी तो काम लिया भी जे मैं चल गया तो मेरे गोली मार देंगे, मैं उत्थे बह गया। पर एक जदों इन्हों पता लगा मेरा फोन जगया, मोबाइल जगया, इन्होंने सीधा फायर मेरे से किया, जो मेरा सिर के उत्तों की नंगा मेरी वाल वाल जी जान बच गई है। इन्होंने अपने वालों कोई कसर नहीं छी मारन की। बाकी मेरा 1,42,500 रुपया जोड़ा जी वो कैश मेरा रात का जी रात की सेल हुई जी पंप से, एक दे ट्रक तेल पाए जी सेल आती 1,42,500 कैश लै गया। बकायदा मेरा लैपटॉप जिद मेरिया कई परसनल चीज़ा जी वो सारा कुछ तोड़ के उन्होंने भन के चल गए। तो बाकी 30-35 जने इन्हें वाह फायरिंग की, जो कारतूस के खोखे आ 12 बोर्ड के 32 बोर्ड के 315 बोर्ड के पुलिस ने जब्त कर तड़के पुलिस आ गई 1:30 बजे उन्होंने ले लिया। इन्हें रात को बीती रात 12-1 बजे इतने आन के वाई फायर किए, गड्डिया की जी भन तोड़ की, तो होर काफ़ी नुकसान किया, दुकाना ढा दी इन्हों दियाँ, तो वो दफ्तर दुफ्तर ढाता, काफ़ी नुकसान होया। ये हुण राजविंदर सिंह के बयान से हाँ इन्होंने दसण मुताबक काफ़ी रकम गई आ, तो बाकी जो राजविंदर सिंह के बयान मुताबक अं कार्रवाई जी कर रहे हैं। देखो अं खोल मिले आ जिन्ने का अजे हम ताजा 15-20 तो है, ज्यादा ही होंगे। सरकार वालों करफ्यू लगाया गया वा, देखो जो करफ्यू लगाया जा कितना वो कार्रवाई सारी बेच ही होनी है, वो जो जुर्म बनता अं मुताबिक सारी कार्रवाई करा।